मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बता दें, बुधनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही राजकुमार पटेल के समर्थन में बुधनी विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर से हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेता पहुंचे, जहां कांग्रेस ने एक भव्य रैली निकाली जो मुख्य मार्गों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां राजकुमार पटेल ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कई बातें कही। बुधनी से चंपालाल केवट की रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, एहसास आज हो गया। जहां तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पुरानी हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है, प्रदेश की सरकार को सूट सावल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है, तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी, सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी, मैं मानता हूँ उसी का एहसास आज की किसी सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है, तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेके कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी, बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास, इसी क्या मजबूरी भाई साहब, राज वो उनको पता है।